फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अच्छा, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कभी भी आ जाए ना बेटा, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कभी भी आ जाए ना, सबसे पहले तुरंत ही लिख देना लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। तुरंत कर लो ये काम भाई, फ्रैक्शन है तुरंत x अपॉन वाई ले लो, बाकी कहानी बाद में, पहले फ्रैक्शन को ही लेट कर लो, लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई, काम खत्म, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई, कहानी खत्म हो गई। अच्छा, तो फ्रैक्शन को अगर x अपॉन वाई लिया तो हमें पता होना चाहिए ना, x हमारा न्यूमरेटर है और y हमारा डिनोमिनेटर है, x हमारा न्यूमरेटर, y हमारा डिनोमिनेटर, बात समझ रहे हो? अच्छा जी, समझ में आती बात। अब पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है, अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। कहता है क्वेश्चन कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। अच्छा, जो फ्रैक्शन है वो 1/3 के बराबर है। अच्छा जी, फ्रैक्शन जो है वो 1/3 के बराबर है। अच्छा, कब बराबर है? जब 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है ना उसमें अगर हम 1 कम कर दें, हालांकि डिनोमिनेटर के बारे में कुछ दे नहीं रखा है तो y रखना है। क्या आपको समझ में आया कंडीशन? फिर सुनो, बोला है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो x माइनस 1 अपॉन y आ जाएगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x ये इधर आएगा, माइनस का 3 इज इक्वल टू ये इधर आएगा y, तो ये आ जाएगा 3x माइनस y बराबर 3। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, ये आया समझ में? अच्छा, अब क्या होगा, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। अब यानी अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बन रही है कि भैया फ्रैक्शन जो है 1/4 बन जा रहा है। कब बन रहा है? जब 8 को डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे हैं, यानी न्यूमरेटर में कुछ नहीं हो रहा है, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दे रहे हैं, तो भैया 1/4 बन गया। आया समझ में? बुद्धि खुल गई? अच्छा, यहां आंसर ही बता रहे हैं कुछ लोग। चलो इधर मल्टीप्लाई करो, 4x बराबर y प्लस 8, वाई को इधर लाओ तो 4x माइनस वाई बराबर 8, ये हमारी सेकेंड कंडीशन। फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे चिपका दो, 3x माइनस वाई बराबर 3, फर्स्ट कंडीशन। अगर दोनों के सेम साइन है तो हमें सब्सट्रैक्ट कर देना चाहिए, तो ये कट जाएगा, यहां से x आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, तो x कितना आ गया? 5 आ गया, x को 5 यहां रख दीजिए, 3x माइनस वाई बराबर 3 है, ये वाली कंडीशन जो है हमारे पास, तो 3 इंटू एक्स हमारा 5 माइनस वाई बराबर 3, 15 माइनस वाई बराबर 3, तो क्या वाई की 12 आ रही है? क्या वाई 12 आ रहा है? क्या वाई 12 आ गया? आ गया 12, तो भैया फ्रैक्शन क्या होगा? एक्स अपॉन वाई, यानी कि एक्स 5 है वाई 12 है, तो आंसर क्या हो गया? फ्रैक्शन इज